गाइस ये वही गली है जिससे पांडव होके गुजरे थे। अभी हम जा रहे हैं गमरुनाग और अभी हम निकले हैं रोवांडा से और हमें ट्रैक करके जाना पड़ेगा। कुछ भी करो रास्ता तो बड़ा सही है, बहुत अच्छा, हो सकता है ऊपर तक ना रहे पर यहाँ पे तो काफ़ी सही है। देयर इज़ द प्लेस जहाँ से हम अभी आए, तो कोई अपना छत्ता भूल गया यहाँ पे, लगता है तूफान में उसका छत्ता उड़ गया और यहाँ फंस गया। ये रोड से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे है, अपना छत्ता वापस ले जाए यहाँ पे ना छोड़े। घर काफी अच्छा है, तो भी मुझे 10 मिनट ही हुए आए हुए और मेरी हालत खराब होगी। यहाँ पे मुझे एक और छत्ता मिल गया है जिस किसी का भी अपने घर वापस ले जाए। और यहाँ पे लैंडस्लाइड, अभी मैं इतनी हाइट पे हूँ कि यहाँ पे कोई परिंदा भी ऊपर नहीं मार सकता। मीनवाइल ये रहा कौवा, इस कौवे ने मेरी आवाज़ सुन ली कि परिंदा भी ऊपर नहीं मार सकता, तब से अब कमेंट्री करे जा रहा है क्या कहा कहा कहा। सो अभी मैं पहुँचा कुछ ऐसी लोकेशन में, जरा यहाँ क्या हाल तो चेक करो, मतलब क्या है, हर जगह कचरा ही कचरा। अभी सब सोच रहे होंगे कि मैं फालतू में ज्ञान दे रहा हूँ सफाई पे, नेचुरल प्लेस नेचुरल नहीं रह जाएगी अगर ऐसे ही कचरा फेंकते रहे सब, तो या तो जो डस्टबिन है वहाँ पर फेंको या तो जला दो, दो चीज़ें करो बस, हर कहीं फेंकने का कोई मतलब नहीं बनता। गाइस ये वही गली है जिससे पांडव होके गुजरे थे। तो फाइनली मैंने डिसाइड करा मैं शॉर्टकट से जाऊंगा। देसी देसी ना बोल यहाँ पे, अरे छोड़ ही दे। मैंने अपनी सारी एनर्जी यहीं बर्बाद कर दी है, तो मैं अकेला इन पहाड़ों में बकवास करता हुआ, आई होप मैं अच्छा दिखाई दे रहा हूँ। मैं अभी इस टाइम अपने परिवार से गुजर चुका हूँ, यहाँ पे तो कॉल भी नहीं होगी, तो चलते रहो। तो मेरे पास एक रास्ता है नीचे से जिससे मैं आराम से जा सकता हूँ और एक इस साइड से भी जिससे मैं आराम से जा सकता हूँ, पर मैं जाऊँगा इस पत्थर के ऊपर से। इसका रीज़न बहुत आसान है, आई नीड व्यूज और मैं चढ़ गया पत्थर पे। अब मुझे नहीं पता यहाँ से उतरना कहाँ से, ये रही वार्निंग जिसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ये क्या फालतू की दी है, ये वार्निंग है कि नाम लिखने की कोई जगह है, इसीलिए भगवान इतने दूर आए थे। अब हम गेट को यहाँ पे बंद रखेंगे, जो आएगा वो खुद कर लेगा, क्योंकि हमारे टाइम में भी बंद था। तो अभी हम चल रहे हैं, अभी देखते हैं कितना बचा, मेरे को कोई आइडिया नहीं इस गेट के बाद हमें कितना और चलना पड़ेगा। यहाँ का रास्ता भी काफ़ी सही है। सो फाइनली 2-2.5 घंटे के ट्रैक के बाद हम पहुंच चुके हैं कमरुनाग। आंखें बंद करके शंभु कर रहे हो साधना, सामने खड़ा ये भक्त कर रहा आराधना।